नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पार्सल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को बताया था कि BHU PG 2024 के एग्ज़ाम में कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। एक मेरे पास नोटिफिकेशन है जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर का है, जिसमें लिखा हुआ है एक UGC की गाइडलाइन का ट्रांसलेशन है, मतलब एक आर्टिकल है जो कि UGC की गाइडलाइन को बताती है कि 30 सितंबर तक अगर कोई बच्चा अपना एडमिशन कैंसिल कराता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हों और UGC के अंडर में आती हों, तो उनके यहाँ जो फी रिफंडेबल डिडक्शन फी है वो जीरो है। यानी कि आपने अगर 3,000 से 4,000 रुपये दिए, 20,000 से 30,000 रुपये जो भी आप अपने एडमिशन में दिए, तो वो बिना डिडक्शन के वापस कर दिया जाएगा। लेकिन और यहाँ भी लिखा, ये तक लिखा हुआ है कि UGC ने जारी की फीस रिफंड पॉलिसी नियमों के उल्लंघन पर संस्थानों की मान्यता रद्द करने की भी रद्द की जा सकती है। तमाम एक तरह से उनको एक मैसेज दिया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को। यहाँ पे 30 सितंबर की डेट दी गई है, अभी ये जून चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो BHU में अभी तुरंत अपना एडमिशन विड्रॉल कर रहे हैं, मतलब उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही अपना नाम देखा, पेमेंट कर दिया, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे कोर्स नहीं करना है और वो रिफंड करने जा रहे हैं। तो ऐसे में BHU जो है 1,000 रुपये डिडक्ट कर रही है, जो कि अपने आप में मनमाना है। मैं इसी का विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो BHU के जितने प्रशासनिक लोग हैं उन तक पहुंचे, जो CSE के मेंबर्स हैं उन तक पहुंचे, और बच्चों से इस तरीके का मनमाना फी डिडक्शन जो है वो ना लिया जाए। अगर उन्होंने 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी पेमेंट दिया है आपको, और जब वो विड्रॉल कर रहे हैं तो वो पैसा उनका पूरा रिफंड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे UGC की गाइडलाइन ऑलरेडी दी गई है कि आप 30 सितंबर तक सीट छोड़ने पे 1 रुपये भी नहीं काटोगे। इवन 1,000 रुपये जो काटने की बात की गई है वो बोली गई है अगर 31 अक्टूबर तक सीट छोड़ने पर संस्थान जो है वो एज प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 1,000 काट सकती है, लेकिन 31 सितंबर तक नहीं काट सकती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसका विरोध होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर लिंक है, आप वहां पर जाइए और रिट्वीट मारिए, और ये वीडियो जितनी भी आपसे जुड़े हुए सोशल मीडिया हैं उन तक पहुंचाओ, क्योंकि ये मनमाना फीस जो है BHU प्रशासन जो वसूल रही है ये नहीं वसूला जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा भी ना ही इथिकल है ना ही लीगल है, जैसा कि UGC गाइडलाइन में ऑलरेडी मेंशन है, मैं आपको बता दिया हूँ। तो प्लीज़ हर बच्चा का जो समर्थन है वो मुझे मिलना चाहिए, और आपका अगर समर्थन रहा तो जो कमिंग वीडियोज होगा वो पूरा एकदम ओपनली खुल के मैं इसका विरोध करूंगा और हम लोग ट्विटर पर कंपेनिंग करेंगे। तो जल्दी से जो है ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करो और रिट्वीट मारो, और जिससे कि इनकी आंखें खुल जाएं और इन्हें समझ में आ जाए कि आप अगर कोई भी मनमाना हरकत करोगे तो आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर बैठे हुए हैं, हम अपने हक को जानते हैं और हम इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। तो मुझे आपका बस सहयोग चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और इस वीडियो को अपने जुड़े लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं।